उसमें फोटो वैसे आएगा अगर तुम ऐसे छुपोगे तो भाई गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी किसी के यार अखंड रणवे भाई साहब यार भाई रणवे तो पाप है भाई यार ये तो पंछी बनो उड़ती फिरो अच्छे अरे अच्छा लग वहाँ नहीं गए अच्छा है बहुत अच्छा ना पहली बार आए हो पहली बार झूला झूले कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना मस्त है ना एकदम ओके निकल रहा है टॉयलेट में क्या लगा अच्छा ये बताओ भाई मेरे को आप अरे यार तुम लड़कों की नाक कटा रहे हो गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी स्मार्ट बच्चों की भी यार देखने लायक चीज है कुछ ही बोल दो काट दूंगा मैं टेंशन अच्छा दिखाऊंगा अच्छा लगा ना और शाबाश बेटा थोड़ा बहुत बोल लीजिए नो नो है ना हम आ गए फाइनली कोटा सिटी पार्क और यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ है वो पब्लिक के लिए आज ही ओपन हुआ है बाकी इसका उद्घाटन तो 13 तारीख को हो गया था भाई पता नहीं टिकट के लिए उतरना पड़ेगा बाहर चलते हैं अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं पहले गाड़ी अंदर ही है पार्किंग गाड़ी पार्किंग में टिकट यहीं से तय हो रहा बस इसके अंदर का टिकट से अंदर लेना पड़ेगा गाड़ी का टिकट लेने हमने कार का टिकट है 50 रुपये तो गाड़ी को पार्क करते हैं उसके बाद में अंदर का टिकट अलग से लेना पड़ेगा भाई देखते हैं कितना चार्ज होता है गाड़ी पार्क लगा दी हमने और गाड़ी पार्किंग का किराया 50 रुपये तो इसके बाद में लेना पड़ेगा हम अंदर से जाने के लिए अंदर का किराया पता नहीं कितना अंदर चल के देखते हैं और पता नहीं ये क्या बन रहा है भाई अंदर जाने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है तो चलो चलते हैं सीधा अंदर भाई आज भीड़ बहुत ज़्यादा है कि आज से ओपनिंग है इसकी भाई 13 तारीख को ओपन हो गया था भाई पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ था बाकी देख सकते हो टिकट के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पर अरे भाई साहब सुनो गाड़ी अच्छा लेडीज़ के लिए इधर लाइन है और जेंट्स के लिए इधर है अरे टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है इधर तो चलो हम भी लगते हैं कतार में आईडी तुम्हारे पास भाई स्टूडेंट के लिए 50 रुपये बाकी अदर पर्सन है इनके लिए 100 रुपये बाकी आधे घंटे से लाइन में लग रहे हैं भैया कैसा लग रहा है आपको लग रहा है सर फ्रेंड देख के आया सर कैसा था वो अंदर से नहीं बाहर से देखा है अंदर देखो बाहर क्या है यार जगह कहाँ ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है वहाँ इसमें क्या क्या देखने वाला कुछ पता है आपको नहीं अंदर गए नहीं पहली बार ही आ रहा है सर अच्छा महसूस हो रहा है ना काट का बाद में भी ले सकते हैं ना अगर जरूरत थैंक यू भाई चलो आ जाओ भाई आ जाओ चलो फाइनली हमने ले लिए 2 टिकट आधा घंटा खड़ा होने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है इधर भैया इंतजार करके कैसा लगा मजा है ना लग रहा है इंतजार टिकट चेकिंग होगी यहाँ पे तो टिकट चेक करवाते हैं अपन इनको दे दो ना रख लेंगे गेट 2 नंबर से होगा गाड़ी आएगी ना फाइनली हम आ गए कोटा सिटी पार्क के अंदर जय श्री राम दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे फाइनली भाई हमारा इंतजार खत्म हो चुका है हम आ गए फाइनली कोटा सिटी पार्क के अंदर क्योंकि इसका 13 तारीख को इनॉग्रेशन हो चुका था बट आज इसको पब्लिक के लिए खोला गया है तो हम एक एक चीज देखेंगे भाई स्किप करके कोई मत देखना बहुत मजा आने वाला अभी कम से कम 1 घंटा खड़ा होने के बाद तो हमें यहाँ पे अंदर एंट्री मिली है तो चलो चलते हैं स्किप करके कोई मत देखना और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाना तो चलो चलते हैं एक एक चीज़ को देखते हैं चलो कितना शानदार फॉर्म रहा ना इसमें ऊपर 2 मोर बैठे हुए एक मोर उधर है एक मोर नीचे बाकी देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है भाई चलो आगे चलते हैं आज तो फुल भीड़ है खाने के लिए यहाँ पीने के लिए कुछ ही पानी देखते हैं अभी देखते हैं पानी बोतल रेट क्या है भैया क्या क्या आपके पास पानी बोतल कितने की पानी बोतल अच्छा 20 रुपये की पानी बोतल है बाहर से नहीं ला सकते अपन तो बाहर से कुछ भी नहीं ला सकते भाई आप ना पानी बोतल ला सकते हो ना गुटखा खाने के लिए ला सकते हो भाई अंदर 20 रुपये की पानी बोतल है बाकी इधर सब फोटो खिंचवा रहे बाकी ये शानदार जगह है अभी यार ऊपर से झरना बह रहा है वहाँ से
फोटो बहुत अच्छा रहा तुम्हारा, ले लिया मैंने भी ले लिया भाई। ऊपर फोटो खींच रहा है, इधर से फोटो खींच रहा है। कैसा लग रहा भाई तुम्हें आके? अच्छा लग रहा ना? अच्छा लगा ना? रियर फ्रंट गए नहीं गए? टिकट बुक नहीं हुआ? कोई बात नहीं भाई, रिवर फ्रंट में एक प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन टिकट की वजह से ना, टिकट बुक नहीं हो रहा यार। भाई ये है अंडा जो बाहर से दिखता है भाई, पहले बोलते मेमे बने थे इसके ऊपर कि इसमें डायनासोर का बच्चा निकलने वाला। भाई ये भी इतना शानदार लग रहा ना, ये क्या है रे, क्या बोलते हैं इसको, पांडे क्या है यार ये, भालू हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं। और भाई ये गाड़ियाँ चलेगी यहाँ पे, गोल्फ गाड़ियाँ, तो जो पैदल चल नहीं सकते उनके लिए ये है। इसका किराया आई थिंक 150 रुपये। एक और गोल्फ गाड़ी आ रही इधर से, इधर बोटिंग कर सकते अपन 150 रुपये में, और अगर सारे मेंबर्स एक बोट को बुक करें तो 2000 में थे। भैया क्या चार्जेस का? 150 पर पर्सन। अच्छा पानी बिल्कुल क्लीन है यार भाई, पानी एकदम क्रिस्टल शाइन है। हाई भी कर देना सर यार, अच्छा लग रहा है, रिवर फ्रंट गए? अभी जाओगे? अच्छा बेटा प्रॉब्लम हो रही है यार, टिकट ऑनलाइन टिकट हो रहा है इसलिए टिकट बुक ही नहीं हो रहा उस वक्त तो। हमारा तो इजीली हो गया। अच्छा हो गया था क्या? आज का ही गया? चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो भैया ड्राइवर साहब, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? हाँ। तो आज ओपनिंग है, कैसा लग रहा है, मतलब पब्लिक को बिठाने के बाद घुमाओगे पूरे इसमें आप? अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया, बिठाना आराम से घुमाना, ठीक है ना? ठीक है। भाई इधर समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जाए, कि इधर भी घूमने का रास्ता। भाई अपन आगे चलते हैं सीधा, उसके बाद घूमेंगे पूरे में घूमेंगे, चाहे 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे अपन को। अब मैं आपको बताता हूँ ट्री मैन, ये यहाँ का ट्री मैन। और यार ये समझ में नहीं आ रहा ये पहाड़ क्या है यार, आई थिंक गुफा है क्या, अंदर चल के देखना पड़ेगा इसको तो, क्योंकि ये अलग चीज़ लग रही है, बाकी और तो सब नॉर्मल देखे दिखाए लग रहे हैं। भाई ये फूड काउंटर, यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं अपन, पानी वानी पी सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं यहाँ पे, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं ला सकते तुम भाई, सब कुछ यहीं खाना पीना पड़ेगा तुम्हें। यार पिंटू मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यार, इसमें है क्या अंदर? ओ भाई ये बहुत शानदार लग रहा है। तो भैया यार ये क्या चीज़ है? ये आड़ चील है। मतलब क्या है इसका, गुफा है क्या है मतलब? मतलब अरे पहाड़ है, तो एडवेंचर टाइप है, मतलब ऊपर जा सकते हैं इस पे? नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अंदर रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा देखा, अभी वो तैयारी चल रही है इसका, काम अधूरा है। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई ये है पहाड़, भाई पहाड़ दिखाने के लिए, भाई अंदर इसमें रेस्टोरेंट चलेगा, तो अभी काम चल रहा है इसका, काम पूरा नहीं हुआ इसका भी, और इसके ऊपर भी रेस्टोरेंट है, ऊपर का बताऊंगा मैं आपको, बाकी अंदर तो अलाउड नहीं बिल्कुल जाना, अभी काम चल रहा है इसलिए। भाई अंदर थोड़ा कितना दिखता है, बहुत बड़ा है भाई अंदर से तो। ओहो ये बनने के बाद शानदार लग रहा है ये भी। भाई ये है वाटर स्टेशन, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फास्ट फूड खा सकते हो तुम, तो इसकी भी रेट वगैरह देखेंगे अपन। और भाई एक रेस्टोरेंट वो है ऊपर, एक इसके अंदर है, भाई वो भी बहुत ख़तरनाक बन रहा है यार, ये पहाड़ बनाया ऊपर, भाई उसके बाद ऊपर जाके खा सकते हो, इसका चार्ज वगैरह पता नहीं कुछ भी अभी तक क्या है। भाई यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खाने की चीज़ें, खुशबू बहुत शानदार आ रही है। कैफे दक्षिण कैफे है भाई, पेन डोसा 60, मसाला डोसा 80, इडली टी कॉफ़ी चाय 20 रुपये की भाई यहाँ पे, और हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी जूस देख सकते हो यहाँ पे आप। चलो चलते हैं आगे हम। और यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं अपन, स्टूल कुर्सी बढ़िया लगा रखी है यहाँ पे। दही पापड़ी भेलपूरी पानी पूरी आलू टिकिया वड़ा पाव। अंकल कुछ आना है क्या खाना है कुछ? नहीं सर बहुत महंगा है। अरे कुछ महंगा नहीं यार, छोले भटूरे 100 रुपये के तो बस यार, पाव भाजी 80 रुपये की यार है ना, और नहीं तो क्या। इधर तक चल जाऊंगा मैं, इधर से जाऊंगा। हाँ लगाना बाकी। अच्छा लगाना बाकी है। ओके ये क्या लिख रखा देखते हैं इस पर, द गार्डन ऑफ जॉय। आपको भी ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आपको यार।
कोटा सिटी पार्क। तो भाई कैसा लगा तुम्हें यहाँ के? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हम पिड़ावा के रहने वाले हैं, पास में ही झलावाड़ जिले में। भाई मेरे को लगा है गुफा वगैरह है, बाकी ये वॉशरूम है लेडीज और जेंट्स इधर है। भाई हर चीज़ें अलग बनाई यहाँ तो यार। इधर है जेंट्स टॉयलेट, तो बढ़िया है, नंबर वन नंबर दो की सुविधा कर रखी है यहाँ पे। बाकी दूर से लगता नहीं है कि यार ये टॉयलेट है, इतना शानदार लगा रखा ना, मतलब पहाड़ की तरह बना रखा। और भाई स्पेशल बात एक और बताऊँ मैं, ये जो डिब्बे रखे ना स्पीकर है भाई, ये बेस वाले, इनमें से आवाज़ आ रही है, ख़राब होने का काम ही नहीं है मतलब इनका। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये फिल्टर पानी, इस पानी को पी भी सकते हैं अपन। भाई पानी आ गया तो मौसम ख़राब कर सकता है अपना है। वैसे मैं कार में छाता लेके आया था, तो कार में रखा छाता, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा हमें। भाई पिंटू कैसा लग रहा है तेरे को बेटा? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब यार इतने स्पेस हो चुके हैं ना कोटा के अंदर घूमने के, यार कहीं भी जाओ तो, मतलब पहले तो एक दो जगह थी, बाकी अब तो मज़ा आ गया कोटा में यार। भाई पानी ज़्यादा आ रहा है तो देखते हैं क्या होता है। बाकी यार इसमें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, तुम मतलब देख ही नहीं पाओ क्या क्या देखें यार अपन, है ना पिंटू? हाँ, बाकी इसमें देख बोटिंग भी करेंगे, एक बोटिंग हो जाएगी तो अभी पानी नहीं आएगा तो। अगर भाई पानी ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे आ रही इधर से बोट, जो वहीं उतारेगी बोट तो यार। मज़ा आया बैठ के? मज़ा आ रहा है। और ये प्यारा सा लोगो लगा रखा है यहाँ पे, सिटी पार्क कोटा। हेलो अंकल, मज़ा आया? मज़ा आया ना, बहुत बढ़िया। ओके, और यहाँ से घूमते हुए ऊपर जाएंगे, उधर घूम के आएंगे वापस। ये है रैंप ब्रिज, तो यहाँ से चलते अपन। भाइयों कैसा लग रहा है, अच्छा लगा ना? तो चलते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर से निकलते हुए उधर घूमते हुए आ जाएंगे इधर। हेलो आंटी जी, बाय। भैया कैसा लग रहा है? दीदी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो पानी मौसम बिगाड़ रहा है यार, है ना? हाँ। और भाई ये क्या है इसमें? हाँ, ये भी कोई रेस्टोरेंट टाइप है, ड्रम की तरह बना रखा है भाई, गोल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ना हर चीज़ यूनिक बनाई है भाई, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। और इधर है स्नैक शेक ये वाला, तो इधर शानदार बना रखा है, अंदर से पूरा कांच का है। चलो देखते हैं जाके एक बार। अच्छा एंट्री, वाओ शानदार, बाहर से कैसा दिख रहा था, अंदर से कैसा दिख रहा है ना। कैसा लगा यहाँ घूम के? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। अच्छा बिहार से होती है ना, बिहार से हो, एलन में हो? हाँ। अच्छा लगा ना बहुत अच्छा। बाकी आप देख सकते हो जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर, इधर तो घना जंगल है एकदम। भाई ये है बम्बू जोन, बम्बू जोन मतलब यहाँ पर बम्बू के पेड़ लगाए गए हैं, मतलब बाँस के पेड़। ये मतलब हर तरह की वेराइटी के पेड़ पौधे मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर। और बम्बू के पेड़ के नीचे भाई यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, तो इसमें थोड़ी देर बैठते हैं अपन, क्योंकि पानी आ रहा है बाहर। तो पिंटू भैया कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है ना। बाकी पानी आ रहा है तो पानी में ना हल्के हल्के गीले हो गए हम, वो तो बढ़िया। अपना फ़ोन थोड़ा वाटर प्रूफ है, इसलिए ख़राब होने का डर नहीं है। इधर है शानदार वाली टनल, जो कि लोहे के पाइपों से बनाई गई है, शानदार लग रही है देखने में भी। और यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ भी बनाई, भाई यहाँ पर बैठ सकते हो, फोटो वगैरह खिंचा सकते हो, रील बना सकते हो। और इधर है फाइनली झरना, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, पानी पी सकते हैं इसका भी, ऐसा अखबार में लिख रखा है भाई। इधर से इधर निकल रहा है, जैसे गाँव में खेतों में दोहरे होते हैं ना भाई, जो गांव से बिलोंग करते हो जानते हो दोहरे क्या होते हैं, उस टाइप का बना हुआ है। कितने अच्छे से बना रखा ना। हेलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। इधर ही फोटो शूट हो रहा है भाई। भैया आंटी जी कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा। मज़ा आ गया ना एकदम? अरे योर फ्रेंड गए नहीं गए कोई? फ्रेंड गए थे वहाँ पे, टिकट का प्रॉब्लम हो रही ना। हाँ, टिकट हो ही नहीं रहा ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं हो रहा। बाकी ये तो अच्छा लगा ना। ओ कोटा से हो क्या आप? नहीं नहीं, सीकर से। अच्छा सीकर से हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेव अर्थ, कितना शानदार वाला नज़ारा है ये, सुपर्ब। और यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए सब बैठे हैं भाई। तो भाइयों कैसा लगा तुम्हें ये? बढ़िया लगा ना, अच्छा लगा। और रिवर फ्रंट गए नहीं गए अभी? टिकट का प्रॉब्लम हो रहा ना उसमें, मैं भी दो दिन से कर रहा हूँ भाई, टिकट का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे भी। चलो बढ़िया,
भाई ये चीज़ देखो यार, और ऊपर घूम रहा है ये, इधर है ग्लास रूम जो पूरा कांच का बना हुआ है, शायद अभी चालू नहीं हो इसलिए अंदर किसी को एंट्री नहीं उसमें, भाई पूरा कांच का है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पिरामिड, जो कि उल्टा पिरामिड है भाई। रात में बता दो आपको, इसमें डिस्प्ले चलती पूरे में चंबल रिवर फ्रंट की इधर। वाह भाई ये चीज़ बहुत शानदार है यहाँ पे यार। चलिए उसके अंदर होके निकलते हैं अपन। वाओ कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, कि बहुत मजा आ रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या क्या देखे क्या क्या नहीं देखे भाई, इतनी जगह देखने के लिए यहाँ पे, तो एक दिन तो सारा दिन चाहिए तुम्हें यहाँ पे घूमने के लिए भाई। बहुत मजा आ रहा है, देख लो नीचे फॉर्म आ रहे हैं ऊपर और हम जा रहे हैं नीचे भाई। प्लीज़ एक बार जब भी आप कोटा हो ना, कहीं बाहर से हो ना, तो चंबल रिवर फ्रंट एंड ऑक्सीजन पार्क में जरूर आना यार। चंबल रिवर फ्रंट में तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको भाई, ऑक्सीजन पार्क में देखने में मज़ा आ जाएगा आपको। भैया गाड़ी में ए सी बिठा हुआ है, वहाँ से टिकट कितना रुपया टिकट इसका? 150 ओके। तो भैया कैसा लग रहा है आज इसका उद्घाटन होने, इतनी भीड़ आ रही है, इतनी पब्लिक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? आपका भी दिन गुड्डा है, गुड़िया गुड्डा, अरे गुड्डू मजा आ गया ना। यार आजा 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 आजा, छलांग लगा दे भाई। एक बात मैंने अभी देखी, यहाँ पे शेर के मुंह से पानी निकल रहा है और ऊपर तो इंसान है भाई, बाकी नीचे शेर के मुंह से पानी निकल रहा है भाई। अब चलते हैं हम पिरामिड की तरफ, उसके बाद में घोड़े घोड़े भी देखेंगे, ठीक है ना? आ जाओ। तो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना यार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाना, थोड़ा दूर। अरे भाई यहाँ कुबिल है, आ जाओ भाई, हमारी इन भाई डिमांड है, हमको भी लो। तो भाई क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में आप, कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा। इनमें क्या क्या चीज अच्छी लगी आपको? टॉयलेट लगा ना, टॉयलेट में खुशबू आएगी आपको, पैसा आपकी टॉयलेट में क्या लगा अच्छा ये बताओ मेरे को आप। अच्छा ऑटोमेटिक है सारा, तो चेन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? और पूरा देख लिया, आधा देखा भी? कन्फ्यूजन है यार, क्या क्या देखे क्या क्या नहीं देखे, है ना? कम देख पाए, हाँ बिल्कुल सही बात है। और रिवर फ्रंट में गए नहीं गए आप? वो टिकट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, हो रहा है भाई। अच्छा अच्छा, तो रहने वाले यहीं के हो, कोटा के कहाँ के हो? यूपी है, राजस्थान करौली। अच्छा सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी करते हो? अरे भाई गर्लफ्रेंड वगैरह हो नहीं किसी की यार? अरे यार तुम लड़कों की नाक कटा रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी, स्मार्ट बच्चियों की भी यार। अच्छा रिजेक्ट कर दिया के बाद? अच्छा वही तो बोल रहा हूँ मैं, गर्लफ्रेंड होती गर्लफ्रेंड साथ में आती तुम्हारे। अच्छा रीट के बाद में, चलो ओके भाई, बेस्ट ऑफ लगे यार। भाई इधर और भाई आ रहे हैं जो बोल रहे हैं भैया माँ कबिल हो यार, ये राजस्थानी भाषा भी हमारे अड़ोती भाषा। तो कैसा लगा भाई आपको यहाँ घूम के? रहने वाले कहाँ के हो? अच्छा सांगो से देखने के लिए आए, कुछ काम से आए थे यहाँ पे आप? मजा आ गया ना, रिवर फ्रंट गए नहीं गए? तो टिकट बुक कर रखा है क्या? तो टिकट बुक तो यार सुबह होता है भाई, टिकट बाद में बुक नहीं हुआ कि एक दिन में 2,000 या 5,000 एंट्री, उसके बाद एंट्री नहीं है फिर। तो कितने बजे तक होता है वो? अरे सुबह 10 बजे तक होता है भाई, 10 बजे बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें, एक बार जाके देख लेना, अगर हो जाए ना तो चल जाना वहाँ, ठीक है ना? भाई रात में इसमें डिस्प्ले जलती है तो सारा दिखता रहता है जो भी दिखाते हैं, जो बाकी अभी बंद करके दिन में कुछ दिखता नहीं इस वजह से।
ये है उल्टा पिरामिड, विश्व का उल्टा पिरामिड यही है भाई, और ना सीधे पिरामिड होते हैं भाई, उल्टा है। तो अद्भुत चीज़ है, अभी देखने लायक चीज़ है, कुछ ही बोल दो, काट दूंगा मैं टेंशन, अच्छा दिखाऊंगा, अच्छा लगा ना। और वहाँ रिवर फ्रंट गए नहीं गए? अभी नहीं गए, अब जाने का प्लान है? हाँ वही प्रॉब्लम आ रही भाई, बहुत मजा आ रहा है यार। और अब हम चलते हैं वहाँ पे जो घोड़े हैं ना, वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में तो। और फाइनली हम आ गए हैं घोड़ों के पास, ये घोड़े हरे हैं, पूरे घास के बन रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको पास से। घोड़े बहुत शानदार है। नमस्ते अंकल, कहाँ से हो? कोटा से। कैसा लगा ये? अल्टीमेट लगा ना, वहाँ ना शानदार है। रिवर फ्रंट देखा? रिवर फ्रंट इज नॉट अलाउड नाउ, नॉट अलाउड बिकॉज वहाँ पे वो टिकट बुक वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, इस वजह से। हाँ उसके लिए मैसेज ये होना चाहिए कि जो पेमेंट करना चाह रहा है उसको भी अलाउ करें, साइमेंटेनियस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तरीका सही है। देखना चाह रहा है वो फ्री देखे, क्योंकि एक्चुअली क्या सबको पता नहीं है कि ऑनलाइन टिकट कैसे किया जाता है, कैसे किया नहीं जाता। टूरिस्ट एक बार कोटा आया है, बिल्कुल भविष्य में कब आएगा गॉड नोस। बिल्कुल 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 भाई, ये चीज अल्टीमेट एकदम। जी जी बिल्कुल, इसी फिल्टर में लूं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, उसमें एरर क्यों आ रहा है? किसमें वो भाई, यहाँ भी सबकी एक ही प्रॉब्लम है यार, रिवर फ्रंट में जाने के लिए जो टिकट कर रहे हैं ऑनलाइन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी पिछले दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बाकी दो दिन से नहीं हो रहा हो। सो भाई कैसा लगा तुम्हें? हमें बहुत अच्छा लगा सर। कहाँ से हो तुम रहने वाले? हम बिहार से हैं सर। अच्छा बिहार से, तो यहाँ पढ़ाई करते हो कि स्पेशली देखने के लिए आए हो? स्पेशली देखने के लिए आए। अच्छा बिहार से देखने के लिए आए हो यहाँ पर? जी स्पेशली यहाँ तो देखने के लिए, सिटी पार्क तो देखने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, और यहाँ किसी काम से आए थे तो इसकी वजह से आज इनॉग्रेशन था तो इसलिए। अच्छा अच्छा, तो भाई मैं बता दूँ आपको यार, मतलब मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं यहाँ पे कितना शानदार वाला सीन है। जब खुद आप यहाँ पे आके देखोगे ना अपनी आँखों से, तब आपको मजा आएगा यार, को आके मैं चीज बनाई है धारीवाल जी ने कोटा के अंदर। बिल्कुल ना जी जी। हाँ और भाई मैं बता दूँ आपको, इसमें समझ में नहीं आता कहाँ जाएं कहाँ नहीं, इतने रास्ते घूम रहे ना यार, तो आप कुछ ना कुछ तो आप मिस करोगे सही यहाँ पे। हाँ, एक बार में पूरा कवर नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल ना जी जी बिल्कुल। और आप कितने लोग यहाँ पे आए? यहाँ पे तीन लोग हैं। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? यहाँ पे हमें एक घंटे हो गए। एक घंटा हो गया ना जी जी। तो बाकी यार पीछे का नज़ारा देख सकते हो आप, ऊपर दिखाना पिंटू। बाकी मतलब ये अर्थ है जो दोनों हाथों में है, बाकी घूम रही है यार, और बाकी नीचे इतने शानदार वाले फवारे दिख रहे हैं भाई, देख के मतलब है ना मन गदगद हो गया, ऐसा लगता है ये स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग तो देखा नहीं, मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग में, तो बाकी शानदार वाला नज़र है। हाँ भाई कहाँ से हो आप? कोटा से हो। क्या करते हो? तैयारी करते हो। कहाँ पे? नहीं कौन से क्लब की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की। अच्छा आर्मी की तैयारी करो। कहाँ से रहने? कोटा के प्रॉपर। हाँ प्रॉपर। कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा है ना, फोटो भी बहुत शानदार है। गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी किसी की यार? भाई यार भाई रंडवे तो पाप है भाई यार, ये तो स्मार्ट लोंडे हो फिर भी तुम रंडे हो यार। धारी वाली ऑप्शन कर दिया तुम्हारे लिए, मतलब ना तो भाई सुन लो, मत मरो भाई मेरे सामने, मत मरो यार, मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, मर जाएगा तो भाई यार। अरे भाई लड़कियों के लिए क्या मरना यार, कामयाब हो भाई कुछ करो, लड़कियां तुम्हारे पीछे भगेगी भाई यार। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं मिल रही ना भाई, घर वाले लेके आ जाएंगे यार। शादी करके लाओगे ना? 13 लाख 20 लाख हो गए झगड़े के, सासू भी साथ में लेकर आना। भाई अच्छा लगा ना यार, है ना, पूरे घूम ले गया। अच्छा आए हो अभी? हम भी आएंगे। भाई ये पीछे है फोटो खींच रहा है, ये बोल रहे हैं हम सारे रंडवे हैं तो इनके लिए धारीवाल जी ने बंद। गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं लुगाई भी है। अच्छा लुगाई भी है अभी लुगाई है। अच्छा बाकी मजा आ गया देख के यार, धारीवाल जी ने इनके लिए प्रोग्राम मतलब बंदोबस्त कर दिया। जो रंडवे है ना भाई, इनकी भाषा बोल रहा हूँ मैं, जो सिंगल है उनके लिए गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी यहाँ पे। अखंड रंडवा बोलना चाहूंगा मैं इसे। हमारे जीवन में बिंडी के अलावा चलो कुछ भी नहीं स्त्रीलिंग में। चलो बेस्ट ऑफ लुक तुम्हारे लिए यार, कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिले यहाँ पे और तुम भी जिंदगी आनंद ले सको। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है यहाँ पब्लिक आती जा रही है, बाकी हम आए थे जब 2 घंटे पहले भीड़ कम थी, बाकी अभी बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है यहाँ पे। तो भाई कैसा लगा तुम्हें?
चंबल रिवर फ्रंट, मस्त लगा ना। पहली बार आओगे? पहली बार यहाँ पे खुला आज ही भाई यार, पहली बार आओगे ना? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया इधर थोड़ा? आज कोटा के रहने? क्या करते हो? जॉब करते हो? तो शादी वादी होगी कि गर्लफ्रेंड वगैरह है किसी? गर्लफ्रेंड नहीं, पर यहाँ नहीं है यार। भाई एक बात बताऊं, एक जवानी पे दब भाई बेचलर होना यार। नहीं नहीं नहीं, स्मार्ट लड़कियों की गर्लफ्रेंड नहीं है तो लाना तो उस चीज पे यार। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो गर्लफ्रेंड तो बनाओ भाई यार, ठीक है ना? हाँ, उन नहीं बने ना भाई तो मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको कोचिंग करा दूंगा गर्लफ्रेंड कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना? आपके चैनल पे उसको चलेंगे मार्गदर्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलकर देखते हो, ठीक है ना? ओके, अच्छा लगा ना भाई? ठीक है, उसमें फोटो वैसे आएगा अगर तुम ऐसे छुपोगे तो। बढ़िया लगा ना? कहाँ से आए हो? इकलेरा से। इकलेरा से देखने के लिए आए हो यहाँ पे कुछ काम से आए हो? नहीं, देखने। अच्छा लगा ना? तुम यही पढ़ाई करते हो कि स्पेशली देखने के लिए आए हो? नहीं, नहीं पढ़ाई करती हूँ। एलन में हो? हाँ। कैसा लगा ये? अच्छा है। बहुत अच्छा ना? पहली बार आए हो? पहली बार? पहली बार। ओपनिंग आज हुई तो पहली बार आओगे ना? और रियल फ्रंट गए नहीं? गए? रियल फ्रंट गए नहीं? गए नहीं अभी तो। अभी नहीं गए? बुकिंग हुई नहीं उस टिकट, उसमें प्रॉब्लम हो रही बुकिंग करने में ना? यस सर। तो गलत है ना एक तरह से? यस सर। क्योंकि कैश ले ले वो अच्छा रहता है, बाकी बुकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। ओके चलो, थैंक यू यार। जैसा कि ऑक्सीजन पार्क है तो यहाँ पर झूले की व्यवस्था भी की गई है। भाभी जी, झूला झूले कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना? और यहाँ पर भाइयों का फोटो शूट चल रहा है भाई। ये दो तरह के ब्रिज है, एक उधर है एक इधर है, मतलब अच्छा लगा। फोटो खींचने के लिए रील बनाने के लिए वो शानदार जगह है, तो है ना? हाँ तो चलो बढ़िया यार, मेरा आशीर्वाद है आप जो बनो। किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल? मिस्टर एंड मिसेज मीणा फैमिली। पंछी बनो उड़ती फिर। अच्छा अरे अच्छा अच्छा लग रहा है ना? वहाँ नहीं गए? नहीं गए। अच्छा एक सेकंड। भाई सबके सब फोटो खींचने में रील बनाने में लगे हुए हैं यहाँ पे। सिस्टम है भाई यहाँ का, एक बात है यार, मज़ा आ गया। मतलब कोटा में ऐसा पार्क कोई भी नहीं है भाई, सबसे बेस्ट पार्क है भाई। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है? मज़ा मज़ा मज़ा। ये है डायनासोर का अंडा भाई। इसमें डायनासोर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा मेरे को यार। पहले इसके मेमे बने थे ऐसे भाई, इसमें क्या है ऐसा देखते हैं। देखे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना? घूम ली? हाँ घूम ली। गया कोई परेशान तो नहीं है ना घूमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो आप उसमें नहीं नहीं जी ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। कैसा लगा है? मस्त मस्त लगा ना? क्या गणेश उद्यान बहुत जाता हूँ मैं, पहले जाता था शादी के पहले, गर्लफ्रेंड को लेकर, अभी नहीं जाता यार। यार एक लड़के ने बोला था मेरे से कि यहाँ के जो शौचालय है ना, बाथरूम बहुत शानदार है, तो इसको देखते हैं अंदर जाके तो क्या है, क्या खास है इसमें। उसने इतनी तारीफ की थी कि मेरे को सबसे बड़ा यही लगे भाई यहाँ के। तो मैं अंदर जाके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है? सिस्टम है भाई यहाँ तो। यार मुझे समझ में एक बात नहीं आई, उस लड़के ने क्या देख के बोला था कि बाथरूम बहुत शानदार है यहाँ के, बाकी मेरे को ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल जो बाथरूम होते हैं वही बाथरूम यहाँ के यार। तो चलो चलते हैं बाहर। सो दोस्तों फाइनली हम 1.5-2 घंटे तक पूरे गार्डन में घूम लिए। बाकी इतना शानदार है यार कि मैं बता नहीं सकता, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता बिल्कुल भी। जब आप खुद ही आके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। आप कोटा में हो या कोटा से बाहर हो, कहीं भी हो, नहीं नहीं जाओ जाओ अंकल, आपको आना ही क्या? आओ बिल्कुल आओ। हाँ ये इंचार्ज है यहाँ के, आई एम एडमिन इंचार्ज। हाँ एडमिन इंचार्ज है, तो ये बोलने से तो मना कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बाकी एक चीज़ बता दो, एक नंबर है ना यहाँ की जगह? Yes, it is absolutely one number one. It's good for the health and people must take the advantage of the oxygen. Okay, okay. चलो निकलो आप इधर से। Bye bye. Bye bye. तो जैसा कि आपने देखा होगा अंकल ने यहाँ के बारे में बता दिया कि ऑक्सीजन के मामले में भाई आप यहाँ पर आ सकते हो, सुबह सुबह डेली आओ यहाँ पे, आप यहाँ का अलग से टिकट करा सकते हो 1 महीने का आप। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। जो भाई चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाना यार।
ऐसा लग रहा है बोलता रहूँ आपसे, मैं वो दिखाता रहूँ यहाँ पे, बाकी मेरे को 2 से 3 घंटे घूमते हुए बाकी बहुत मजा आया सबसे बात करके यार। तो चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ से बाहर एग्जिट लेंगे जब भी अपन को कार्ड बताना पड़ेगा, पता ना तेरे पास है ना। ओके सो हम आ गए ऑफिस से पार्किंग में, हमारी डस्टर खड़ी है उधर, अब चलते हैं हम घर पे। और भाई यहाँ पर सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लड़कों से लड़कियों सबसे बात की हमने, तो शानदार मज़ा गया हम बात करके, और सबका रिव्यू भी देखा हमने तो काफ़ी अच्छा था यार, सबका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था एक तरह से। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और भीड़ देख सकते हो यहाँ पे, हम आए थे यहाँ पे सुबह 11 बजे, तो हम फ्री हो गए यहाँ से, बाकी अब देखो भीड़ कितनी भीड़ है, टिकट नहीं मिल रही अब तो, शाम को 4 बज रहे हो, इतनी लंबी कतार लग रही है टिकट लेने के लिए।